हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, फाइनली एएलपी वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, उन सभी का इंतजार खत्म हो चुका है जिन भी कैंडिडेट्स ने यहां पर आरआरसी जीडीसी एएलपी का एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई किया था। अगर बात करेंगे तो आरआरसी जीडीसी की एएलपी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हो चुकी है, साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुकी है। तो लिस्ट में आप अपना नेम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट में आया है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कौन से आरआरसी से जीडीसी एएलपी का एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हुई। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड जीडीसी और एलडीसी की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम डेको देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरसी एसईआर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा और यहाँ पर हम नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अब नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा, देखिए जीडीसी 2024 एलिजिबिलिटी लिस्ट फॉर एएलपी कैटेगरी। तो यहाँ पर इसे हम नोटिस को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो जीडीसी की एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हुई, इसकी पीडीएफ हमने ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरसी एसईआर गार्डन रिच कोलकाता। तो द फॉलोइंग इज द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर जीडीसी 2024 एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 29/12/2024 एट डिफरेंट सेंटर्स एट कोलकाता, बोकारो, टाटानगर, रांची, राउरकेला एंड बालासोर। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीडीसी एएलपी का जो है 2024 वाला एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उन सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 29/12/2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि अलग अलग सिटी में जैसे कोलकाता, बोकारो, टाटानगर, रांची, राउरकेला और बालासोर में यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए अड्रा डिवीज़न की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, साथ ही साथ आपका खड़गपुर डिवीज़न, खड़गपुर वर्कशॉप और आपका रांची डिवीज़न और जो है आपका चक्रधरपुर डिवीज़न की भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की गई। और साथ ही साथ जो है खड़गपुर वर्कशॉप के साथ साथ जो है सीनी वर्कशॉप की और खड़गपुर स्टोर की भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हुई है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उनकी कम्युनिटी, डिजाइनेशन किस पोस्ट पर है, कंट्रोलिंग ऑफिसर, उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पर दिया गया, किसके कंट्रोलिंग में यहाँ पर काम करते हैं, एचआरएमएस आईडी कैंडिडेट की दे रखी है, वर्किंग यूनिट मतलब कहाँ पर काम कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों, ये रही आपका जो है अड्रा डिवीज़न की लिस्ट और यहीं पर नीचे जो है सारे अलग अलग डिवीज़न की लिस्ट दे रखी है, हम आपको बता देते हैं। नीचे ही पीडीएफ में अड्रा डिवीज़न के बाद यहाँ पर चक्रधरपुर डिवीज़न की भी लिस्ट दे रखी है, देखिए वही एप्लीकेशन नेम, कैंडिडेट का नाम वगैरह सब कुछ, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर खड़गपुर डिवीज़न की भी जो है लिस्ट ऑफिशियली जारी हो चुकी है, मतलब कि नीचे ही जो है आपके इस डिवीज़न खड़गपुर डिवीज़न की भी लिस्ट दी हुई है। दोस्तों, साथ ही साथ जो है खड़गपुर डिवीज़न के बाद रांची डिवीज़न की भी यहाँ पर ऑफिशियली लिस्ट दी हुई है। उसके बाद रांची डिवीज़न के बाद खड़गपुर वर्कशॉप, मतलब खड़गपुर डिवीज़न प्लस खड़गपुर वर्कशॉप की भी यहाँ पर जो है ऑफिशियली एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो खड़गपुर वर्कशॉप वाले और खड़गपुर डिवीज़न, रांची डिवीज़न, अड्रा डिवीज़न और सीनी वर्कशॉप, सीनी स्टोर वगैरह जो है, ये सभी कैंडिडेट जो अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। नीचे आपको और दिखा देते हैं लिस्ट, तो वहीं पर जो है खड़गपुर स्टोर्स और सीनी वर्कशॉप वाले कैंडिडेट्स की भी एलिजिबिलिटी लिस्ट दे रखी है। तो फाइनली इन कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो कैंडिडेट अपना नाम देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है और इस लिस्ट में है फिर या फिर नहीं है। तो केंद्रीय अपना जो है इस एलिजिबिलिटी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, पूरी एलिजिबिलिटी लिस्ट दे रखी है। तो इन सभी कैंडिडेट्स का जो है 29/12/2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियली और अपडेट आने वाली है कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, सिटी इंटीमेशन वगैरह, तो जब भी जो है ऑफिशियली जारी होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी कि यहाँ पर फाइनली 4 डिवीज़न प्लस 2 वर्कशॉप और एक स्टोर से यहाँ पर जो है आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट एएलपी का जीडीसी का जारी हो चुका है। तो दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ, मैंने शेयर कर दी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं। देखिए नाम देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, एचआरएमएस आईडी के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं और अपने नाम या फिर पिताजी के नाम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ, मैंने शेयर कर दी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।